मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरी उम्र अभी 50 साल है। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो की दवा तब आनी शुरू हो गई थी, लेकिन घर में जो बुजुर्ग थे वो बच्चों को छुपा देते थे और ऐसा माना जाता था कि इससे कुछ इफेक्ट खराब होंगे और मुझे पोलियो की दवा उस वजह से नहीं मिल पाई थी। नहीं तो शायद पोलियो की दवा तब तक कुछ सरकारी डिस्पेंसरीज में और आने लग गई थी। 13 साल की उम्र तक मुझे गोदी में लेकर स्कूल छोड़ाते थे और गोदी में स्कूल ले आते थे। 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 33 सालों तक, 46 साल की उम्र तक मैंने कैलिपर और क्रचेस के साथ अपने बिजनेसेस किए। मैं ऐसा सोचता हूँ सर कि मुझे मरने के बाद कहा जाए कि एक बिजनेसमैन मरा है। मैंने 20 साल पहले बचपन प्ले स्कूल शुरू किया और उसके अभी 1100 स्कूल पूरे भारतवर्ष में हैं। उसके 7 साल बाद हमने एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल शुरू किया, उसकी 110 ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में हैं। एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया और अभी इसी साल हमने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, उसमें मैं को फाउंडर हूँ, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के नाम से हमने एक यूनिवर्सिटी शुरू की। मेरा ये पिछले 21-22 सालों का सफर एजुकेशन में रहा है और 4 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट है। मेरे कंधों ने फर्दर मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और मैं व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो गया। जब तक मैं कैलिपर और क्रचेस के साथ अपना काम कर रहा था, मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे को कुछ करना चाहिए, मेरी शायद कोई उपयोगिता है। मैंने ऐसा समझा था कि मेरा जन्म तो खाने कमाने के लिए हुआ है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग माई बिजनेसेस। अब 3-4 साल से जब जब मैं इस फील्ड को देखता हूँ, इस सेक्टर को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे सार्थक हैं, बहुत सारा काम हो, हम लोग बहुत बार बार जुटें, तभी शायद हम कुछ और काम यहाँ कर पाएंगे।